नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार। शैलेंद्र नमस्कार कुमार सूर्यवंशी, नेशनल सीड्स से, छिंदवाड़ा हेडक्वार्टर से हूँ। और आज हम किसान भाइयों, माचा गोरा के पास में एक भुतेरा ग्राम है, जहाँ पर हमारे किसान भाई, आपका नाम? मनोज वर्मा। मनोज वर्मा जी, जी। आप? मुंशी राम वर्मा। मुंशी राम वर्मा जी। और हमारे फील्ड ऑफिसर हरिओम रघुवंशी जी हैं बेलपेट से। आज हम माचा गोरा के पास में जो भुतेरा ग्राम है, जहाँ पर नेशनल सीड्स का हमारे पास में जो वैरायटी थी 444 गेहूँ की, जो इन्होंने अपने पास में 10 से 12 एकड़ में लगाए हुए हैं। जी सर, सही है। जी सर, तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम जो वीडियो में या फिर हमारे फील्ड ऑफिसर के द्वारा, सेल्स ऑफिसर के द्वारा जो बात बताई गई थी इस वैरायटी की विशेषताओं के बारे में, उसी का ऑब्जर्वेशन करने के लिए आज हम इनके प्लाट में आए हुए हैं। जैसा कि किसान भाई, आपको 444 गेहूँ के बारे में बताया गया था कि 444 गेहूँ जो है अन्य वैरायटियों की अपेक्षा में हरा आता है, इसका जो कलर रहता है हरा अधिक हरा आता सर, अधिक हरा जो है, हरापन अच्छा रहता है जी, है ना। दूसरा, इसमें बतलाया गया था आपको कि इसको प्रति एकड़ 40 से 45 किलो प्रति एकड़ से दाना डालना है। आपने सर, लगभग, यहाँ पर थोड़ी हल्की जमीन है जी, इस कारण से लोगों ने 50-55 किलो डाले सर, प्रति एकड़ का डाले जी। वैसे ही हम लोगों ने सेकंड थर्ड इसकी जो विशेषता थी वो बताया था, इसकी हाइट जो है कंफर्ट काफी रिजनेबल, काफी कम आती है, 2.5 फीट समथिंग, 2 से 2.5 फीट इसकी हाइट आती है। सेम वही देखना, अपन 2.5 फीट समथिंग इसकी हाइट आई है। चौथी विशेषता, इसकी मुख्य विशेषता ये बतलाई गई थी कि इसकी जो बाले होती है काफी लंबी होती है, जो देख रहे हो आप किसान भाइयों, काफी लंबी होती है, और चार धारी इसकी जो बाले हैं चार धारी होती है, जिसमें इसके गेहूं दाने का जो कसाव होता है काफी घना होता है, जिससे इसमें एक बाले में लगभग 75 से 80 दाने होते हैं। सही है किसान जी? भाई सर, जी सर, होते हैं सर। पिछले साल भी 444 गेहूँ आपने लगाए हुए थे जी सर, इस वर्ष भी जब आपको अच्छा लगा तो भी सेकंड टाइम आपने 444 गेहूँ लगाया हुआ। ये 444 गेहूँ की जो पिछले लास्ट टाइम जो लगाए थे आपने, उसकी अपेक्षा इस बार अच्छा समझ में आ रहा है कि पिछले साल भी बहुत अच्छा हो गया? नहीं सर, पिछले बार भी अच्छा था सर। पिछले बार लगभग क्या औसत आई थी इसकी? वो सर 28 क्विंटल समथिंग सर, ऑन एवरेज। जी जी, ऑन एवरेज प्रति एकड़ सर, प्रति एकड़ का जी, ऑन एवरेज माना जाए 28 क्विंटल प्रति एकड़ का इनका एवरेज सर। इस बार क्या लग रहा है आपको रुझान? इस बार भी रहेगा सर अच्छा, गेहूँ भी अच्छा है। आपके पास में पानी की पर्याप्त मात्रा है? जी 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 सर, हल्की जमीन के हिसाब से पानी पर्याप्त दे जी रहे सर। हैं। इसमें कुछ मिक्स जमीन भी है, मोटी भी है, हल्की भी है जी सर। उसके औसतन यदि देखा जाए 28 क्विंटल प्रति एकड़ जी सर। जैसे किसान भाई हमारे बीच में जो वर्मा जी है, कृषि किसान भाई हमारे, जो फुतेरा ग्राम से है, माचा गोरा के पास में है, और इन्होंने जो 444 गेहूँ लगाया हुआ है, आप देख रहे हो इस वीडियो के माध्यम से, ये जो गेहूँ है जो बहुत ही अलग किस्म का गेहूँ है और बहुत अद्भुत तरीके से लगा हुआ है। अन्य वैरायटियां भी इनके प्लॉट से आउट साइड में लगी हुई है, जिनका भी ऑब्जर्व हमारे किसान भाई कर रहे हैं। किसान भाई, आप ये बताइए, लगभग इसमें जो देख रहे हो एक गुच्छे जो आते हैं, जो कलियां, इसकी जो बगीचे जो छोड़ता है, लगभग पर दाने में 45-50 इसका बगीचे आ जाता सर? आता है सर। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी यही बताया था, 45 से 50 इसके पकीचे आते हैं, और एक बाले में लगभग 75 से 80 दाने होते हैं सर। समथिंग ऑन एवरेज देखा जाए 70-75 दाने सर पर वाले में आते हैं। वैसे ही किसान भाई, इस प्लाट में जिस जगह में हम खड़े हैं फुतेरा ग्राम में, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं प्लाट को, बहुत अच्छा लगा हुआ है, और हमारे किसान भाई स्वयं बता रहे हैं कि पिछले वर्ष भी उन्होंने नेशनल सीड्स का 444 गेहूँ लगाया हुआ था, और जिसका एवरेज अच्छा आने के कारण सेकंड वर्ष भी उन्होंने 444 गेहूँ ही चुना। आप क्या संदेश देना चाहोगे अपने आउटसाइड जो किसान भाई है, अपने गांव के जो किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहोगे? हम तो सर यही कहना चाहेंगे कि सब गेहूं के मुताबिक हमको तो ये गेहूं बहुत अच्छा लगा सर। 322 भी हम लोग लगाए थे, इसके पहले लगाते थे, लेकिन पिछले वर्ष से हम सब छोड़ के सर यही लगा रहे हैं सर। 444 जी सर, 444 हाँ सर। जैसे कि हमारे किसान भाई और जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बताया था कि लास्ट टाइम उनको किसी मित्र बंधु से सिर्फ 6 किलो बीज प्राप्त हुआ था, 6 किलो बीज प्राप्त हुआ, जिसका लगभग एवरेज क्या निकला था 6 किलो का? 6.5-7 क्विंटल, 7 क्विंटल जी सर, 6.5 किलो का, काफी मतलब 1 किलो वो पर क्विंटल पे निकला, पर क्विंटल पे आया हुआ। किसान भाइयों, हमारे किसान बंधु खुद है वर्मा जी, अपने मुख से इस चीज को बता रहे हैं कि सबसे प्रथम बार इन्होंने सिर्फ 6 किलो बीज अपने प्लॉट में लगाया था, जिसका एवरेज 1 किलो पर क्विंटल से निकाला। सही है? हाँ सर। आप जैसे कि आप भी यहाँ पर अपना 444 गेहूँ लगाए हुए हैं,
हमारे वर्मा जी भी यहाँ पर 440 गेहूँ लगाए हुए हैं जी सर। अन्य किसानों भी आपसे पूछते होंगे आते जाते कि भाई कैसा है, क्या है, कौन सी वैरायटी है, क्या संदेश देते हो आप? देते हैं सर, हम कहते हैं कि अच्छा है, पिछले वर्ष भी लगाए थे, इस वर्ष भी हमने कहे पूरा एक तरफा से यही गेहूँ लगा हमारा 440। क्या मेंटेनेंस किए थे इस प्लॉट में आपने? सर मेंटेनेंस तो क्या है, डीएपी नॉर्मल सर डीएपी डाले थे और उसके बाद में कितने बार यूरिया डाले हैं इसमें? इसमें सर दो बार डाले सर, दो डाले हैं जी, और डीएपी डाल के बोनी करवाए जी, 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 एक जी, पे एक बोरी डीपी अच्छा और तीन चार बोरी यूरिया यूरिया डलवाए जी सर एंड तक। अच्छा सर, ठीक है, धन्यवाद।